है, एक सेल का चेहरा है। और यहाँ पर सभी लोग, जैसे सर बोल रहे थे, क्रीम पीपल है। कौन से पीपल है? सारे लोग क्रीम लोग हैं। तो डीएक्शन का आप सभी लोग फ्यूचर है। क्या है? आप सभी लोग डीएक्शन का फ्यूचर है। महाराष्ट्र को, जैसे सर बोल रहे थे ना, 100 करोड़ करना है। कितना करना है? इंडिया को कितना करना है? और 10 करोड़ अगर महाराष्ट्र को करना है तो जिम्मेदारी किसका है? किसका जिम्मेदारी? हमारी। मेरा है, बोलो यार। किसका जिम्मेदारी है? मेरा। सब लोग ना, अपना जिम्मेदारी है। तो पहले किसका जिम्मेदारी है? मेरा। पत्नी किसकी है? अपनी है। नहीं नहीं, तो ये जिम्मेदारी किसका है? मेरा है। मैं इसमें कुछ योगदान देना चाहूंगा, तभी जाके आप सफल बनते हैं। तो हाउ आई बिकेम अ क्राउन एम्बेसडर, मैं कैसे बन गया? तो एक ही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, चैलेंजेस मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर। तो देखिए दोस्तों, चैलेंजेस लाइफ में होने ही चाहिए। कितने मानते हैं बराबर ये बात? चैलेंजेस लाइफ में होने ही चाहिए। आपको जितना कमजोरी, जितना प्रॉब्लम, जितना चैलेंजेस आ रहा है, आप समझ लेना आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बनने वाला है। तो चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैलेंजेस ही आपको आगे आने लग देते हैं और आपको एक मौका देते हैं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। ये सर लो, तो कुछ ऐसा करना है कि लोगों के लिए आपको एक एग्जांपल बनना है। क्या बनना है? सभी लोगों के लिए एक अच्छा एग्जांपल सेट करना है। मार्केट में कई सारी प्रॉब्लम है, आ रही कि नहीं आ रही है प्रॉब्लम? बहुत सारी चैलेंजेस आ रही है, बहुत सारे आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आ रही है। लेकिन यहाँ पे बहुत पावरफुल लाइन है, अपनी कमजोरी को ना अपनी ताकत बनाओ और न ही अपनी कमजोरी को क्या बनाओ? मजबूरी। कोई भी कमजोरी हो, पैसे की कमी है, टाइम नहीं मिल रहा है, जो भी है, उसको आपको क्या बनाना चाहिए? अपनी ताकत बनाना है। क्योंकि जानना जरूरी है अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाए, अपनी कमजोरी को हम कैसे ताकत हमारी बना सकते हैं। तो आपको एक स्टोरी यहाँ पर आती है और ये बहुत पावरफुल स्टोरी, इसे कुछ सीखना होगा। मैंने कई बार ये स्टोरी बताया भी होगा। 10 साल का लड़का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका बाया हाथ कार एक्सीडेंट में चला जाता है, बाया हाथ कार एक्सीडेंट में चला जाता है। अब वो बचपन से ही जिद पकड़ के बैठता है कि मुझे ना मार्शल आर्ट में चैंपियन बनना है। मुझे किसमें चैंपियन बनना है? मार्शल आर्ट में चैंपियन बनना है। सब लोग उसको बोलते थे कि तुम्हें एक हाथ ही नहीं है, पापा बोलते थे एक मुश्किल है, तेरे से जब आएगा ही नहीं। उसके गुरुजी जो मार्शल आर्ट के, उन्होंने भी बोला अरे तुम्हें एक हाथ ही नहीं है तो कैसे कर पाओगे मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन बनने का। लेकिन वो लड़का इतना जिद्दी था कि वो एक ही बात बोलता था किसी को भी मिलने के बाद, मैं मार्शल आर्ट में क्या बनना चाहता हूँ? चैंपियन बनना चाहता हूँ, वर्ल्ड का चैंपियन बनना चाहता हूँ। और इसकी जिद के आगे उसकी जो सेंसी बोलते हैं मास्टर जी जो थे, उन्होंने भी उसको जिद को पकड़ लिया और उसको एक दांव सिखाया था। क्या सिखाया था उसको? एक दांव। और एक ऐसा दांव सिखाया था, रोज वही प्रैक्टिस चल रही। उसके साथ कई लड़के उस स्कूल में आ रहे थे मार्शल आर्ट के लिए, बहुत सारे दाव सीख रहे थे, लेकिन ये लड़का सिर्फ एक ही दाव सीख रहा था। रोज प्रैक्टिस कितने दाव की करता था? एक। सिर्फ एक, रोज एक ही दाव। तो एक साल हो गया तो उसको रहा नहीं गया, मास्टर जी के पास गया, मैं तो इतना अभी एक साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपने तो मुझे सिर्फ एक ही दाव सीखा है, आपने तो मुझे। और मेरे साथ जो लड़के आए थे, अभी एक साल पूरा हो रहा है, वो कई सारे दाव का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मास्टर जी एक लाइन बोले उनको, देखो बेटे आज मैं तुम्हें जवाब देता हूँ लेकिन लाइफ में कभी सवाल पूछना नहीं है। तुम्हें यही दाव आगे जाके मार्शल आर्ट का चैंपियन बनाने वाला है, बस आगे कुछ सवाल नहीं पूछना, जाओ वही प्रैक्टिस करो। 25 साल लड़का वो वही प्रैक्टिस करता था। और जब वो फाइनली, जब बहुत सारी प्रैक्टिस उसके बाद, जब उसको चुना गया कि तुझे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जाइए आप अपने पूरे ग्रुप को लेकर, और फिर एक के बाद ये पूरा स्पर्धा जीतता चला गया, आगे बढ़ते चले गए, फिर सेमीफाइनल आया। तो सेमीफाइनल में सामने वाला जो होगा प्रतिस्पर्धी, वो कैसा रहेगा? मजबूत रहेगा ना। वो भी बहुत पावरफुल था, लेकिन उसको वो दाव ऐसा प्रैक्टिस होता, कितना साल प्रैक्टिस किया? 25 साल। बड़ा जोर से, 25 साल। एक ही दाव का प्रैक्टिस 25 साल किया था। तो ऐसा करते करते वो इतना मजबूत बन गया था कि वो सेमीफाइनल में भी जीत गया, पूरी दुनिया को अचरज हो रहा है, फाइनल आ गई। तो फाइनल के अंदर भी वो सामने वाला जो प्रतिस्पर्धी था, जो अपोनेंट, वो इससे भी मजबूत था। उसने एक हाथ यहाँ पे जो मुक्का मारा था, दांत बाहर आए थे, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, बाजू में रेफरी काउंट कर रहा है, वो गिर चुका है,
रेफरी कर रहे 9-8 मास्टर जी उसके सेंसेई सामने वहां पे बैठे है, सिर्फ उसकी आंखों में जाके बोला बेटा तुझे पता है तुझे क्या करना है, बेटा तुझे पता है तुझे क्या करना है। वही हौसला लिया और उसने फिर से जो छलांग लगाई उस जगह पर और सामने वाले फाइनल को उसी दांव में लाया और उसको चित कर दिया और दुनिया का एक वर्ल्ड चैंपियन बन गया वो लड़का 10 साल गया। मुझे बताइए उसका एक हाथ नहीं था, क्या था उसकी कमजोरी थी, उसको भी पता नहीं था कि मैं कैसे जीत रहा हूं। फाइनली वो बोलता है कि अब इतना होने के बाद आज तो मैं सवाल का जवाब लेकर ही जाऊं क्योंकि सब आ गए, मम्मी पापा भी आ गए, तेरा दांत से खून आ रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है, चलो अस्पताल चलते। नहीं नहीं मम्मी, आज मुझे जो अस्पताल लेके जाएंगे मेरे पापा कौन लेके जाएंगे, सेंसेई, मेरे जो गुरु जी है, मेरे जो मास्टर जी है, उनको ही मुझे लेके जाना है और आज तो मैं उनसे जवाब लेने ही वाला हूँ। और उनको जाके पूछता है ऐसे कैसे हुआ, मैं 25 साल से सिर्फ एक ही दांव सीखा, 25 साल से एक ही दांव सीखा और इतना सीखने के बाद कोई रहम तो नहीं खा रहा था ना मुझे, इतना बड़ा अमीन है यहाँ पे बोले पूरा जान जा सकता है किसी का, तो यहाँ पे किसी को ऊपर कोई रहम खाता नहीं है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तू सच में जीता है तो मास्टर जी कैसे पॉसिबल है, मैं दांव एक ही सीखा हूं और सामने वाला इतना पावरफुल है फिर भी वो मुझसे कैसे हार सकता है। तो मास्टर जी बहुत पावरफुल जवाब देते है, वो बोलते बेटा तुम्हें मैंने बचपन से ये बात नहीं बताई लेकिन आज वो बताने का समय आया है, तुम्हारा जो मैंने दांव सिखाया था ना बचपन में वो दांव का एक प्रतिदांव मालूम है ना आपको, मतलब सामने वाला अपोनेंट छूट सकता है, सामने वाला अपोनेंट छूट सकता है अगर वो तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले तो, लेकिन तुम्हें तो बायां हाथ है ही नहीं है तो सामने वाला उस दांव में आया मतलब गया गया। आपको दांव खेलने की जरूरत नहीं है, वो एक ही दांव जो आप अब तक जो सीखते आए हैं उसी दांव को अपनी मजबूत ताकत बनाइए, कल का क्राउन एम्बेसडर बन जा रहा है यार, यही दिमाग में होना चाहिए। 10 साल का लड़का सोच सकता है वर्ल्ड का चैंपियन बनना है, वर्ल्ड का चैंपियन बनना है, हमें कहीं जाके ऐसा बहुत बड़ा जीवन और मरण का स्पर्धा नहीं करना है, हमें क्या बनना है क्या बनना है आपको बड़े जोर से आवाज आना चाहिए, वो अंदर से आवाज है यस आई एम अ क्राउन। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ बनना नहीं है सर, क्या बोलता हूँ मैं बनना नहीं है, आज के बाद ना मानना शुरू कर दीजिए, क्या कर दीजिए आज के बाद मानना शुरू कर दीजिए कि मैं क्राउन एम्बेसडर हूँ। बोलिए जरा एक बार जोर से, मैं जो आप मानते हैं वही आप आने वाले समय पे बन जाते हैं, समझो जोरदार अपने लिए क्लैप करो भाई, जोरदार 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 क्या बात है, फैंटास्टिक। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों ये चैलेंजेस कई सारे हमारे भी जीवन में आए थे, एक के बाद अगर आप देखेंगे ये चैलेंजेस है कि नहीं है, ये सब लोग फाइनेंशियल डिफिशियंसी थी, बहुत सारा वरीज था, कई सारे लोगों को पता भी था कि मैं जब पहले जो प्लान दिया करता था साइकिल पर जाके कॉफी का प्लान दिया, कॉफी प्रोडक्ट या साबुन का बारे में, डीएक्सएल का प्रोडक्ट का बारे में, कॉफी से जाके लोगों से या साइकिल से जाके मैं लोगों को बात किया करता था, ये मेरा प्रॉब्लम था कि नहीं था, लेकिन वो साइकिल पे जाते हुए एक ही दिमाग में रहता था और मेरे अपना एनवायरनमेंट और एक जोरदार क्लैप करेंगे संतोष सर के लिए, जोरदार लड़की देखने जाना है तो लेके जाना है, परंतु कर सकता है, वो भरोसा देते थे, क्या देते थे आपको आपकी टीम को क्या देना है, दो ही चीज देना है सिर्फ, एक भरोसा देना है, क्या देना है आपको भरोसा देना है और दूसरा सहानुभूति देना है, क्या देना है आपको, मतलब जैसे मैं अगर इनका हाथ ऐसा हाथ में लेता हो सर कुछ भी हो जाए सर आपका इनकम 1 लाख होना ही चाहिए, मैं अगर मान लीजिए अभी मेरे लव लाइन है, कौन सी लव लाइन है, लव लाइन, मैं चाहता हूँ सर आप कल का क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं, बताइए सर क्या मदद चाहिए, ये सर लो आप मुझे क्राउन एम्बेसडर चाहिए और मैं पूरा पक्का विश्वास है कि आप कल का क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे। दो ही टूल पावरफुल है रिश्ते बना देता है, वो है ट्रस्ट एंड सिंपथी, कौन सा टूल है वो थोड़ा जोर से बोलेंगे, मतलब भरोसा दीजिए, क्या दीजिए सामने वाले को भरोसा, डाउनलाइन को क्या देना है भरोसा देना है, उसको थोड़ा सहानुभूति देना है, उसकी समस्या के बारे में जो बात करते तो उसको जताना है कि तेरी जिंदगी भर की ये समस्या नहीं रहेगी, तू भी एक बहुत बड़ा इंसान
बन सकता है। कई लोगों का लाइफ में सर देख सकते हैं आप लोग, आप देख सकते हैं अगर मेरा लाइफ अगर ऐसा था, आज मैं अगर मेरी लाइफ बदल सकता हूँ तो यहाँ पे हर बैठा इंसान क्राउन का क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा ना। yes. क्राउन एम्बेसडर ही आप देख सकते हो, ये शादी के साल का फोटो है, जिस दिन साल जिस साल शादी हुआ था ना तब का फोटो है। क्या क्या लिखा है देख सकते हो आप लोग विजन बोर्ड पे। हेलो, ये रियलिटी है कि नहीं है मुझे बताइए सर, कब का फोटो ये? 2009 तब लिखा था, घर कैसा होगा, गाड़ी कैसा होगा, फिर क्या होगा, हमने लिखा है वहां पे 1 करोड़ का घर होगा 2009 में। और आज देख सकते हो आप लोग, मैंने उसमें ऑडी का हमारा पिक्चर था, कौन सा गाड़ी का पिक्चर था, मतलब दुनिया आपको ना दोस्तों लाइफ में वो सृष्टि आपसे यही बात करती कि तुझे चाहिए क्या, और हम सृष्टि से मांगना है, किससे मांगना है, वो जो सृष्टि है ना उससे मांगना है कि मुझे वो गाड़ी चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे वो पिन अचीव करना है, मतलब करना है, मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, मतलब बनना है। तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक सकती नहीं है यार, कितने भी चैलेंजेस आने दो, अगर कोई इंसान ठान लेता है ना, क्या कर लेते हैं साहब, ठान लेता है कुछ भी हो जाए मैं तो ये करके दिखाऊंगा। मैं मुंबई, हम यहाँ पर बात कर सकते हैं तो मुंबई अकेला 1 करोड़ कर सकता है, नहीं सर कर सकता, वो बहुत बड़ी ताकत है ऐसा लो, इतना बड़ा पावर है कि अकेला मुंबई 1 करोड़ 2 करोड़ कर सकता है। मैं तो कहता हूँ पूना मुंबई मिलकर 10 करोड़ हो सकता है यहाँ आने वाले समय में, तो मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत बनाना है, ये देख सकते हैं आप लोग। दूसरा सपना देखिए, एक जगह पर जाके कभी रुकना नहीं है, एक गाड़ी के बाद सोचना है, एक गाड़ी में ज्यादा साल नहीं रहेंगे। और आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में 5 लग्जरी कार और 1 करोड़ का घर, यही है मेरा दोस्तों चैलेंजेस से वो आपके उभरा हुआ जीवन है, तो क्लैप करेंगे आप सभी लोग, तो चैलेंजेस का बहुत चैलेंजेस थे, आपको मार्केट के चैलेंजेस ज्यादा है ये सर लो, आपको घर के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ये सर लो, आपको सभी तरह का प्रॉब्लम ज्यादा है, बट आपका दिमाग के अंदर जैसे सर ने आज बताया ना, एक कारण मजबूत होना चाहिए, क्या मजबूत होना चाहिए, कारण कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे वो चाहिए, मुझे वो प्रॉब्लम से सॉल्व होना है। मुझे बताओ मार्केट की प्रॉब्लम बड़ी होनी चाहिए या आपका डिएक्शन करने का कारण मजबूत होना चाहिए, है आपके पास कारण मजबूत ऐसा नो, प्रॉब्लम मजबूत है, प्रॉब्लम की बात करें तो कई प्रॉब्लम निकल कर आ सकते हैं ऐसा नो। कंबुचा का प्रॉब्लम लोग लेके आते हैं, बहुत सारे लोग अभी कंबुचा के, मैं तो हर दिन वीडियो बना, कल मुझे कॉल आया कंबुचा के बारे में, सर इसमें ना आप जो पैसे बताते हो इसे फीस नहीं हो रहा है, कार्बोनेशन नहीं आ रहा। तो मेरा हमेशा एक फितरत रहा है, हर प्रॉब्लम को आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम को चैलेंज को आप ही उसकी ताकत बना सकते हैं, क्लैप करिए। मैं बताता हूँ, रुकिए मैंने उसको क्या बोला मालूम है, मैंने बोला ये कंबुचा लिया तुमने ना पकाने के लिए रखा है क्या क्या किया पकाने के लिए रखा? अच्छा आम लेते साहब, आम लेते आप तो क्या करते, कच्चा आम होगा तो जोर से होता है सर, पकाने के लिए रखते टाइम लेते हैं ना सर, वो आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है लेकिन हमने उसको उसी को मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाओ और बताना शुरू करो। अकेली कंपनी डीएक्सएन दुनिया का जो नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजों पे ही ज्यादा बिलीव करती है, अगर डालना होता कार्बोनेशन के लिए कोई केमिकल तो डाल सकते थे ना डॉक्टर लिम, आज भी उन्होंने हमें सीएम मीटिंग में बताया कि आप चाहे तो मैं इसमें कोई कार्बोनेशन के लिए केमिकल डाल के दे देता हूं, कोला के जैसा आ जाएगा फीस, लेकिन वो बॉडी को डैमेज कर देगा। नेचुरल फीस चाहिए तो उसको थोड़ा रुकना पड़ेगा। एक्चुअली हमें पता है, सभी लोगों को पता है, शायद आप सभी लीडर हैं, आपको ये बात पता होगा कि किसी कारण से कंपनी ने हमारा सोचा था कि ये ओपनर का जो ढक्कन है उसको हटाकर प्लास्टिक वाला लगा देते हैं। कौन सा लगा देते हैं? कंपनी का सोच था कि ओपनर का झंझट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ढक्कन धीरे धीरे क्या हुआ, उसका एक ट्रायल हुआ लेकिन वो ट्रायल में उतना सक्सेस नहीं हुआ, उसके बाद उसका ढक्कन हटाकर ओपनर वाला लगा दिया। तो जब ढक्कन हटा दिया तो कार्बोनेशन जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके अंदर का जो फीस था उसे क्या हो जाएगा, चला जाएगा ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और जैसे हमने वो बताना शुरू किया है, लोग बॉक्स लेकर अपना घर में आम पकाने के लिए रखते वैसा पकाना शुरू कर दिया, वही मार्केटिंग का स्ट्रेटजी बना और बताओ दुनिया को कि ये कैसा प्रोडक्ट है यार कि इसको पकाना पड़ता है। प्रॉब्लम भी आपकी बहुत बड़ी ताकत बन सकती है, क्लैप करेंगे सभी लोग, क्लैप करेंगे जोरदार।
प्रॉब्लम ना प्रॉब्लम की तरफ कभी देखना नहीं सर, हर बार आपका टीम बनेगा टीम टूटेगा, ये सर लो। देखो हर चीज में ना आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये हमेशा प्रॉब्लम आते रहेंगे, मार्केट की प्रॉब्लम है, समस्या है, टीम की प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है, कई सारा हम नेटवर्क बनाते हैं फिर नेटवर्क टूट जाता है, और उसके लिए हम कहते हैं ना कि आप उसका इतना बीज डाल रहे हो, बीज क्या डाल रहे हो उतना, क्या सारा का सारा बीज उग कर आ जाता है क्या? नहीं ना, उसमें से कुछ उग कर आ जाएगा ना, कुछ नहीं आएगा। हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? जो आपके साथ कनेक्ट है, जो आपके साथ कनेक्टेड होकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं को पावरफुल आगे बनाते रहना चाहिए सर लोग। आपको ये सोचना ही नहीं कि कौन आया और कौन चला जा रहा है, और ये होता रहेगा। आपका भी टीम आप अनुभव करते होंगे कि कई सारे लोग आ जाते हैं, सिर्फ अकेला डायरेक्ट सेलिंग में डीएक्शन का बात नहीं है, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में टीम बनता है और टीम टूटता है, ये अनदर चैलेंजेस है। सर को पता है, मेरा पूरा स्टोरी पता है, जब मैं निगड़ी में था, हकुड़ी में रहता था सर, जितने आईटीआई के लोग बच्चे मेरे तो हमारे स्टूडेंट ही थे सर, है ना, आपका साथ थे क्या, वो आज है हमारे साथ, उसमें से एक बंदा है अविनाश साहब, मेरा क्या करे अकेला रह गया एक ही ऐसा लो। लेकिन हमने इतना बड़ा टीम बनाया था अकुरडी में भी, लेकिन वो टीम शायद आपके पास रहेगा नहीं, लेकिन जो रहता है उसके साथ कनेक्ट होकर उसको डेवलप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही आपकी कमजोरी नहीं है सर, वही आपकी ताकत बन सकता है, क्योंकि चैलेंजेस द पार्ट ऑफ एवरी लाइफ, एवरी डे लाइफ, इतना मानते हैं बराबर है ना, चैलेंजेस प्रॉब्लम एवरी डे, हर समय पर आपको आते रहेंगे, लेकिन हमारा फोकस, आज रफी सर का स्पीच में एक बहुत पावरफुल लाइन था, कौन बताएंगे इस बारे में था, देखते कि थोड़ा सा स्टडी भी कर लेते, बहुत पावरफुल लाइन था, एक लाइन था, क्या था पावरफुल, चैलेंजेस फोकस के बारे में था, कितने लोगों ने नोट्स निकाले, क्या था वो लाइन, नहीं पता, लिखा ही नहीं ना, सबको नोटबुक मिला, हाँ बहुत बढ़िया, रिजल्ट पे नहीं प्रोग्रेस प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, तुलसीराम जी के लिए क्लाप करिए, जोरदार क्लाप करिए, क्या सीखा आपने, प्रोसेस पे ध्यान नहीं देना, रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना, किस पे ध्यान देना है, प्रोसेस पे, और क्या था वो पावरफुल लाइन था, मुझे बहुत अच्छा था, मैंने तो तुरंत नोट कर लिया, मैंने लिख लिया, योर लाइफ इज कंट्रोल बाय वेयर एज योर फोकस गोज, आपका लाइफ आपका जीवन वो आप नियंत्रित कर सकते हैं जहां आपका क्या जाता है थोड़ा बुजुर्ग से बोलिए, फोकस जाता है, क्या जाता है, फोकस, ये फोकस मतलब एक सूरज की किरण अगर एक कागज पर लेते हैं, कहां लेते हैं हम लोग, कागज पर, और ये कागज को मैं जरा सा भी नहीं हिलाता हूं, मैंने क्या करना है सिर्फ वो जो मैंने हाथ में जो मैंने एक भिंग बोलते ना उसको यार, तो वो कांच है, वो कांच को मैंने जरा सा भी नहीं फोकस हिला है, और वो फोकस एक कागज पर लगा देते हैं, क्या हो जाता है साहब, जल जाता है, क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और मैं कागज को हिला तो नहीं जलेगा ना, मैं ऊपर जो कांच लगा के रखा था वो कांच को ट्रांसपेरेंट ग्लास को मैं हिला तो क्या हो जाएगा, क्या होगा साहब, मतलब वो पावरफुल पॉइंट था कि हमारा लाइफ में दोस्तों प्रॉब्लम की तरफ फोकस चला जाता है, कहाँ फोकस चला जाता है, ये नहीं है वो नहीं है, हमारा फोकस एक ही चीज पे जाना चाहिए, मुझे तो कैसे भी करके डीएक्शन से महीने का इनकम 5 लाख चाहिए, मतलब चाहिए वो भगवान को आके देना पड़ेगा यार, भगवान को भी बोलना चाहिए, वो भगवान भी सोचना चाहिए यार, कितना पागल इंसान है यार, ऐसा लो इधर मानते बराबर है सर, आपको ना पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकल आता है, मेरा भी लाइफ में देख सकते हो आप लोग, जॉब करता था, जॉब से पार्ट टाइम डीएक्शन, और फिर रिजिग्नेशन देने का भी टाइम आया था, मुझे लोगों ने बोला था प्रवीण माझे मित्र काय म्हणायचे, तुझा पाया पडतो म्हणायचे, जब तर आम्ही बोलायचो ना मी पाया पडतो पण तू अजून तरी रिझाईन देऊ नको, 20 वर्ष तरी थांब, किती वर्ष थांब, 20 साल तो रुक जाना यार, क्यों, आधा पेंशन मिलेगा, क्या मिलेगा, आधा पेंशन मिलेगा, मैं एक ही लाइन बोलता था, वो 20 साल का आधा पेंशन के लिए मैं बाकी जो मेरा आधा जिंदगी मैं क्यों जेल में डाल दू, मैं बाहर निकल कर पूरा लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मैं फ्री मैन बनकर ही जाना चाहता हूँ, मैंने वो 60,000 सैलरी नहीं देखा, मुझे रफिक सर का भी कॉल है, तो प्रवीण तुम डिसीजन ले रहा है, यस सर मैं डिसीजन ले रहा हूँ पक्का, आरती यस हमने वो पक्का डिसीजन लिया था कि सर मुझे अगर काम एम्बेसडर बनना है ना
तो मुझे वो जॉब वाली जो लाइफ है उसको अभी बाहर निकलना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, मेरा पहला टारगेट था कि दुनिया का पहला क्राउन एम्बेसडर पार्ट टाइम बन के दिखाएंगे। कैसा बन के दिखाएंगे बोलता था सर मैं, लेकिन एक समय आया मेरा भी लाइफ में इतना प्रॉब्लम बढ़ने लगा था कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। हमारा टारगेट था, हमारा डेट फिक्स था, इस तारीख को होना है मतलब होना है। हमने जॉब को रिजाइन किया और मार्केट में आगे बढ़ना शुरू किया है, क्योंकि इसके अंदर एक ही चीज था, वो था फोकस, प्रॉब्लम के ऊपर देखना ही नहीं था। और 60,000 सैलरी जॉब को हमने रिजाइन कर दिया। प्रॉब्लम आते कि नहीं आते लाइफ में लोगों के, ये प्रॉब्लम आया कि नहीं आया हमारी लाइफ में? जब रिजाइन किया, क्या किया मैंने, जॉब को रिजाइन किया। 17 तारीख को मैं रिजाइन कर रहा हूं, एक महीना पूरा हो जाता है, और 17 जुलाई को मैंने रिजाइन किया था। 17 जुलाई 24 अगस्त को मेरा एक्सीडेंट होता है, एक ही महीने के अंदर। कितना महीने के अंदर? नेक्स्ट मंथ के 24 अगस्त को मेरा एक्सीडेंट, और डॉक्टर बोलते अभी एक साल तक कम से कम आप अपने पैरों पे चल सकते नहीं है। प्रॉब्लम आया कि नहीं आया? बहुत बड़ा चैलेंज आया कि नहीं आया? फिर से एक बार हेलो, कितने लोग समझ रहे हैं? यस सर। हर बार आपका यह परिस्थिति आपका परीक्षा लेगा, या परीक्षा लेगा, और वो आप में कितना दम है वही देखने के लिए, और आने वाले समय के लिए आपको मजबूत बनाने के लिए आपको परीक्षा लिया। फ्यूचर के लिए आपको मजबूत बनाता है यह परीक्षा। और इसके अंदर भी आपको पता है, रफिक सर भी आए थे, डॉक्टर सवेर सर आए थे, सर हम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे हम लोग? मेरा गांव से भाई आया रोहित, वो भी बोल रहा है आरती को पागल है, कहते गप बसा सांगतो तो बसा येत नाही कशान काय व्हिडिओ सारखा बनवला होतो आज तो हॉस्पिटल मध्ये जरा शांत बसून रहा। चुलत भाऊ माझा म्हणतोय, त्याला हे माहित नव्हतं की मी ऍक्सिडेंट मधून बेड मध्ये, लोक या सिच्युएशन मध्ये प्रॉडक्ट खायला घाबरतात। आज माझ्यावरती ती वेळ आली आहे, आज मेरे ऊपर वो समय आया है, आज दुनिया को दिखा देंगे कि मैं अगर 140 कैप्सूल खा सकता हूं तो दुनिया का कोई भी इंसान अस्पताल में 140 कैप्सूल 140 कैप्सूल मैं पर डे खाता था। कितना दिन में? 140 दिन में नहीं, पर डे 140 कैप्सूल। और हमने वो वीडियो बना बना कर भेजा था, पता नहीं यार किसी के पास वो वीडियो जाएगा, और वो अगर अस्पताल में होगा तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। वो आईसीयू में है कि सीसीयू में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो उतना मजबूत बन सकता है। और उस समय पे भी मैं आरती को बोलता था, जैसे घर पे छोड़ा था ना, मैं चुप लेटने वाला इंसान ही नहीं हूं दोस्तों ने, आरती को बोला लैपटॉप लेकर आ, मेरा बेड ऐसा, मैं ऐसा बेड पे हुआ, आधा पैर इधर रखा है आधा पैर इधर रखा है मैंने, और मेरे पैर पर ऐसा लैपटॉप रख के जूम मीटिंग स्टार्ट कर दिया पहली बार। उस समय पे किसी को जूम पता ही नहीं था। हाँ, बिफोर कोरोना शुरू होने के बाद लोगों को जूम पता चला, कितने मानते हैं बराबर है, कोरोना आने के बाद लोगों को जूम पता चला। लेकिन मेरा प्रॉब्लम था, और मुझे वो प्रॉब्लम एक ही बात उकसाता था कि चुप बैठना नहीं है, और इसी समय पे भी आपको कुछ आगे बढ़ना है। योर एवरी प्रॉब्लम बिकम्स